नमस्कार फ्रेंड एंड वेलकम टू चैनल शशि टू एक्सप्लोर और मैं हूं आपका होस्ट शशि और अगेन वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी विद शशि। तो फ्रेंड देखिए यार, ये नया मग है जिसके ऊपर मेरा फोटो भी है। आप देखो यार, मेरा फोटो भी है इसके ऊपर। तो ये जो आज का जो एपिसोड है कॉफी विद शशि, इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और वो है, वो आपके सबसे सबके रिलेटेड है वो टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग कार यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि आपका अगर कार पंक्चर होता है तो आप क्या करते हैं कि उसको जैक से लिफ्ट करते हैं, बराबर है ना, हाइड्रोलिक जैक से उसको लिफ्ट करते हैं। हाइड्रोलिक जैक से लिफ्ट करते हैं तो आप अगर हाइड्रोलिक जैक अगर यूज नहीं करेंगे और आप अपने खुद अपने हाथों से लिफ्ट करके देखिए, वो लिफ्ट होता नहीं है। तो फिर ये हाइड्रोलिक जैक से कार जो है अराउंड 800 टू 1000 केजी का कार रहता है, वो कैसे लिफ्ट होता है यार? ये तो सबके मन में ये जो सवाल है ये हमेशा आता होगा। बट नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं यार, नहीं यार ये मशीन है, ये तो लिफ्ट करता होगा, और हम लोग उसको छोड़ देते। तो मैंने टॉपिक लिया है कि चलो भाई आज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ये जो कार है 1000 केजी का, तो हम लोग हमारा खुद का वेट रहता है, बोलो तो मेरा वेट है सपोज 80 केजी, तो 80 केजी का आदमी यार 1000 केजी का कार विद द हेल्प ऑफ जैक कैसे उठाता है? और वो जो कार उठाता है तो अगर आपने हाथ से उठाएगा तो उठेगा नहीं। तो चलो भाई इसके बारे में मैं आपको, बहुत ही फनी थिंग है, तो ये फनी थिंग है मैं आपको बोलता हूँ, फनी नहीं है, इसमें कुछ टेक्निकल लॉजिक है और ये जो टेक्निकल लॉजिक जो है ना वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर है या कोई है, तो ये सबके लिए, नॉर्मल लाइफ में सब कार यूज करते तो कैसा वर्क होता है ऑब्वियसली सबके मन में क्वेश्चन रहेगा। तो चलो मैं आज उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ये जो कार हम लोग लिफ्ट करते हैं ना, तो सबने 10th स्टैंडर्ड या 11th या 12th स्टैंडर्ड में एक न्यूटन का लॉ हम लोगों ने पढ़ा होगा। वो न्यूटन के लॉ में क्या बताता है न्यूटन, कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो न्यूटन ये बोलता है कि यार भाई हम लोग एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉर्म में से उसको अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यार ये आप कैसा हो सकता है कि ये जो 80 केजी का आदमी जो है वो 1000 केजी का कार उठाता है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसके पीछे जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी ये जो हाइड्रोलिक जैक है, बराबर है, उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है और वो कैसा वर्क करता है और वो कैसा न्यूटन का जो लॉ है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको कैसा फुलफिल करता है, ये हम लोग देखेंगे अभी। चलो फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा बाजू हट जाता हूं, मैं आपको ये जो मेरा बोर्ड के ऊपर मैंने डायग्राम निकाला है वो आपको दिखाता हूं, उससे मैं समझाता हूं कि हाउ वी लिफ्ट द कार मोर देन आवर वेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक। ओके चलो फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होगे मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मैंने दिखा है कि मैं यहाँ से 100 न्यूटन लोड या 100 न्यूटन प्रेशर दे रहा हूं और उससे मेरा कार जो है वह 1000 न्यूटन का या 1000 केजी का जो कार है मैं उसको लिफ्ट कर रहा हूं। तो अभी इसके लिए जैसा कि मैंने न्यूटन का लॉ बोला, तो सेम इसके लिए जो है वो पास्कल का लॉ अप्लाई होता है। पास्कल क्या बोलता है मालूम है क्या? पास्कल बोलता है अगर तुम कोई भी कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर, कोई भी कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर अगर एक जगह कन्फाइंड बोले तो बंदिस्त, क्लोज एनक्लोज लिक्विड, ओके, उसके ऊपर अगर आप कहां से भी एक एंड से अगर प्रेशर अप्लाई करता है तो सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब डायरेक्शन में, ओके। तो बोलो तो यहां से मैंने अगर 1000 bar या 1000 न्यूटन का प्रेशर दिया तो वो सब जगह पे 1000 न्यूटन ही होगा, ओके। तो अभी इसके अंदर जो फार्मूला यूज होता है कि हाइड्रोलिक जैक डिजाइन करने में या सिंपल मशीन डिजाइन करने में या इसमें, तो अभी देखो मेरा क्या रहता है मालूम है क्या, मेरा व्हाट आई नीड अ फोर्स, ओके। फोर्स बोले तो क्या है कि अगर मुझे उतना फोर्स अगर मैं दूंगा, अगर मेरा जो कोई चीज मुझे उठाने का वो 1000 केजी का रहेगा तो मुझे 1000 केजी का फोर्स देना पड़ेगा तभी वो उठेगा, बराबर है कि नहीं? तो अभी मैं क्या किया कि वो 100 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई किया, बराबर है, और मैंने ये जो सिंपल कैलकुलेशन के लिए जो पिस्टन का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर लिया, बराबर है। अभी फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया,
बराबर है। तो अभी मेरा प्रेशर है, मैंने वो 100 दिया है और मेरा एरिया है 1 cm². तो मेरा फोर्स कितना होगा, 100 kg होगा। तो मेरा फोर्स ये 100 kg होगा। अभी मुझे ये 100 kg फोर्स लेके मुझे 1000 kg का कार उठाने का है, वही जैक का प्रिंसिपल है। तो अभी जैक का प्रिंसिपल जो है वो कैसा वर्क करता है कि जैसे मैंने बताया, अभी मैं यहां पे कितना फोर्स दिया है 100 kg, बराबर है। प्रेशर कितना मुझे, फोर्स कितना मिला 100 kg, मैंने प्रेशर कितना दिया 100 न्यूटन। तो अभी मेरा जो पास्कल का वो जो बोलता है कि अगर मैंने यहां से 100 न्यूटन का फोर्स दिया है तो मुझे सब जगह पे वो सेम फोर्स मिलेगा। तो अभी देखिए मैंने यहां पे 100 का दिया तो यहां पे भी मुझे 100 का मिलेगा, बराबर है। अभी लेकिन मुझे 100 का फोर्स से मुझे 1000 का कार लिफ्ट करना है तो कैसा लिफ्ट होता है, तो अगेन वही फॉर्मूला काम में आता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अभी मुझे यही ये इससे अगर मुझे ये कार लिफ्ट करना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे ये एरिया जो है ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इतने प्रेशर में मुझे कितना एरिया का पिस्टन लगाना पड़ेगा सो दैट आई कैन लिफ्ट अ कार ऑफ 1000 kg। तो देखो मैं अभी कैलकुलेट यहाँ पे किया है, अभी मेरा फोर्स जो है वो मुझे पता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मुझे 1000 चाहिए, बराबर है। अभी मुझे पता है प्रेशर मैंने यहां से दिया है 100, ओके। और अभी मुझे इनटू एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू 1000 / 100, ओके। तो ये गया, तो इसका मतलब मुझे जो एरिया चाहिए पिस्टन का ये 10 cm² चाहिए। अभी अगर मैं ये 10 cm² का पिस्टन लगाता हूं और उसके ऊपर यहां से मैं अगर 100 bar 100 newton का अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मेरा इजीली ये जो 1000 newton वाला जो कार है, ट्रक है, जो भी कुछ रहेगा वो लिफ्ट हो जाएगा, समझ गया। 100 से मैं 1000 कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ, आप समझ गए। तो पास्कल लॉ में मैंने क्या किया, सिर्फ यहां पे मैंने पिस्टन का डायमीटर चेंज किया, मैं यहां पे 1 cm² का पिस्टन यूज किया था, यहां पे मैंने 10 cm² का पिस्टन यूज किया और मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि वो ये कैसा आया और उससे मुझे फोर्स कितना जनरेट रहा, उससे मैं ये सब लिफ्ट कर रहा हूं। तो भाई ऐसा ही जैक का प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल में जैक काम करता है। बट अभी सबसे बड़ा सवाल सबके मन में आता है, भाई अगर आपने पहले बोला या न्यूटन महाशय ने बोला है कि यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, ओनली वी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो अगर आप 100 का फोर्स दे रहे हो और 1000 कैसे उठा रहे, बराबर ना, ये तो सबके मन में क्वेश्चन आएगा ना, ये 1000 कैसे उठा रहे, अगर न्यूटन ऐसा बोल रहा है तो ये आपने कैसा उठाया, आपने एनर्जी कैसा क्रिएट किया। तो फ्रेंड इसके अंदर आप अगर देखिए तो इसके अंदर बाद में पिक्चर में आता है ना वर्क डन, ओके, वर्क डन, वर्क डन बोले तो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। अभी ये जो न्यूटन महाशय ने बोला एकदम बराबर बोला है कि ऐसा नहीं कि मैं इधर 100 का देके मैं उधर 1000 उठा रहा हूं और मेरा एनर्जी मैं क्रिएट करो, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ना ये सब जो होता है वर्क डन में, अभी मेरा वर्क डन यहां पे है, मेरे को अगर मेरा वर्क डन यहां पे जो होगा कि मैं अगर यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बराबर है। तो अभी मेरा यहां पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन और यहां पे जो होने वाला वर्क डन है वो सेम रहना चाहिए, तभी मेरा जो न्यूटन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा कि वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय द एनर्जी। इसका मतलब मुझे इधर का वर्क डन इधर का वर्क डन अगर दोनों बैलेंस हो गए तो मेरा ये होगा। तो इसके अंदर क्या होता है मालूम है क्या, अपने हाइड्रोलिक जैक में सब सिंपल मशीन में अगर मुझे इधर का वर्क डन है, मैं अगर ये वर्क डन इज इक्वल टू, मैंने दिखाया ये फोर्स मैंने 100 kg का अप्लाई किया और मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैंने 10 cm का किया है, ओके। तो यहां पे वर्क डन हो गया 10, बराबर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बोलो तो यहां पे वर्क डन जो हो गया वो हो गया 1000। अभी मुझे क्या करना है कि ये वर्क डन मुझे इक्वल करना है, बराबर है। अभी इक्वल करना है बोलो तो इधर का क्या होगा, बोलो तो इधर का 1000 × 10 इज इक्वल टू मेरा मेरा इधर का वर्क डन आना चाहिए। इधर का तो तुमको फोर्स पता है 1000 है, ये मुझे क्योंकि ये 1000 लिफ्ट करना है, बराबर है ना, तो ये मुझे फोर्स पता है कि मुझे 1000 चाहिए। तो सिंपल है, अगर मुझे ये 1000 चाहिए, ये फोर्स 1000 चाहिए, तो ये मेरा इक्वल, इसका इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी मेरा दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये मेरा अननोन कंपोनेंट है। अगर मुझे ये दोनों को इक्विवेलेंट करना है तो सिंपल है, मेरे को यहां पे एक ऐसा फिगर डिराइव करना पड़ेगा जो इक्वल होगा और वो फिगर है 1000 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000
इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब है अगर ये फोर्स से हम लोग अगर 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग इसको दबाते हैं तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा, और ऐसा ही हमारा न्यूटन का जो रहा है ये इसके अंदर फॉलो होता है और हम लोग उससे ज्यादा वेट उठाते हैं विथ जो न्यूटन का जो रूल है वो भी प्रूव होता है। तो यहाँ पे हम लोग 100 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर दबाते, यहाँ पे 1000 न्यूटन को हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर उधर है, इज इक्वल टू 1000 इक्वल टू 1000। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको एपिसोड? ये बहुत सिंपल लॉजिक है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे भी लगा चलो यार आपको कुछ तो भी बताना चाहिए। तो चलो भाई मैं वीडियो लंबा नहीं करता है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताइए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग द वीडियो, वॉचिंग द चैनल शशि टू एक्सप्लोर एंड कॉफी विद शशि। बाय बाय।